नाराज ना होना कभी ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि इस दुनिया में घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं और लोग कहते हैं दिया जल रहा है। हेलो, मैं आकाश कुमार टेकडेफी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में जो वेल्डिंग है उसके 25 MCQs को डिस्कस करूंगा। अ जॉग वेल्डिंग जॉइंट इज यूज्ड। जॉग वेल्डिंग जॉइंट कहाँ यूज होता है? व्हेन सेवरल लोड इज एनकाउंटर्ड एंड द अपर सरफेस ऑफ द बोथ पीसेस मस्ट बी इन द सेम प्लेस। इन आर्क वेल्डिंग द आई नीड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट। आर्क वेल्डिंग में आंखों को किससे बचा के रखना पड़ता है? तो इंफ्रा रेज एंड अल्ट्रावायलेट रेज से। इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग द पूल ऑफ मोल्टन मेटल इज यूज्ड। कौन से तरह के वेल्डिंग में पूल ऑफ मोल्टन मेटल यूज होता है? तो वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक वेल्डिंग में। अ प्लेन एंड बट वेल्ड्स मे बी ऑल्सो यूज्ड ऑन मटेरियल अप टू अप्रोक्सीमेटली कितने थिकनेस के लिए यूज करते हैं? तो वो यूज करते हैं हम लोग 25 mm थिकनेस के लिए। द मेन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड डायमीटर इन आर्क वेल्डिंग इज। कौन सा क्राइटेरिया है? तो वो है थिकनेस ऑफ मटेरियल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिफर्ड फॉर द वेल्डिंग ऑफ नॉन फेरस मेटल बाय आर्क वेल्डिंग। कौन सा वेल्डिंग हम लोग प्रेफर करते हैं नॉन फेरस मेटल के लिए? तो वो प्रेफर करते हैं डीसी वेल्डिंग। इन आर्क वेल्डिंग द आर्क इज क्रिएटेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द वर्क बाय। किससे होता है? तो कॉन्ट्रैक्ट रेजिस्टेंस से। द ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ आर्क वेल्डिंग इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। कितना होता है ओपन सर्किट वेल्डिंग में? तो होता है 40 से 95 volts। द मटेरियल यूज्ड फॉर कोटिंग ऑफ इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड। क्या कहते हैं उसे? तो उसे कहते हैं फ्लक्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेस नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। कौन सा में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है? तो वो होगा एक वेल्डिंग। व्हेन द वेल्डिंग इज गोइंग ऑन द आर्क वोल्टेज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। जब वेल्डिंग चलता रहता है तो उस समय आर्क वोल्टेज कितना होता है? तो वो होता है 18 से 40 volts। फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। कौन सा गैस यूज करते हैं? तो यूज करते हैं हम लोग आर्गन और हीलियम। पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मिग वेल्डिंग। तो कौन सा इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? तो नो फ्लक्स इज रिक्वायर्ड। तो मिग वेल्डिंग में तो फ्लक्स रिक्वायर्ड होता है। हाई वेल्डिंग स्पीड इंक्रीज कोरोजन रेजिस्टेंस। Even unclear surface can be weld to obtain sound weld। तो इसका क्या हो जाएगा? No flux is required। इसमें flux की जरूरत होती है, तो ये incorrect statement होगा। और copper is a, क्या हो जाएगा? Copper तो होता है आपका, copper में very difficult to be spot weld। It is not possible to arc weld all type of metal with transformer set because it does not have provision for, किसका provision नहीं होता इसमें? तो changing of polarity, ठीक है ना, इसमें polarity change नहीं होता है। Two sheet of same material but different thickness can be butt weld by, कैसे butt weld कर सकते हैं? दो sheet of same materials का हो तो, लेकिन thickness अलग अलग होगा तो कैसे करेंगे हम लोग? तो change the size of one electrode। प्रोजेक्शन वेल्ड इज, तो प्रोजेक्शन वेल्ड क्या है? तो ये हो जाएगा आपका जाकर मल्टी स्पॉट वेल्डिंग है। वेल्डिंग प्रोसेस इन विच टू पीस टू बी जॉइंट आर ओवरलैप्ड एंड प्लेस्ड बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड इज नोन एज, क्या कहते हैं उसे? तो उसे कहते हैं स्पॉट वेल्डिंग। इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग द वोल्टेज यूज्ड फॉर हीटिंग इज, कितना वोल्टेज होता है? तो वो होता है आपका 10 volts। द बेस्ट रीजन टू डिसाइड use of welding in preferred for riveting for structural work on extension to the hospital could be, क्या reason होता है welding को prefer करने का riveting के जगह में for structural work hospital जैसे जगह में? तो होता है it is quieter। In resistance welding the pressure is released कब करते हैं pressure is resistance welding में? After the weld cools। A grey cast iron is best welded by, grey cast iron को best welded किस तरह से होता है? तो ये होता है आपका arc welding में। Seamless welding क्या है? तो continuous spot welding है। Up
to what thickness of the plate edge preparation of the weld is not required. कितने thickness तक edge preparation की जरूरत नहीं होती है, तो हो गया 4 mm तक. A preheating is essential for welding. किसको weld, मतलब कौन से electrode को weld करने के लिए, मतलब welding से पहले preheating करना पड़ता है, तो वो करना पड़ता है cast iron को. Thank you. अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. Thank you.